नरेंद्र मोदी भी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी हैं, देश के गृह मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। ये तमाम बड़े सियासी नेता आज उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर कदम रख रहे हैं और कदम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सियासी मजबूरियां हैं इनकी और इन्हें वोटों की राजनीति साधनी है, इसलिए यहां ये लोग पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की अमेठी में दो रैलियां हैं, ध्यान दीजिएगा। मोदी की उत्तर प्रदेश में आज तीन रैली है। योगी आदित्यनाथ की कुल चार रैली उत्तर प्रदेश में है। राजनाथ सिंह की तीन रैली है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका का उन्नाव में रोड शो है, अनु टंडन के लिए ये रोड शो करेंगी, ये कांग्रेस की प्रत्याशी है। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम लगे हैं और पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर है। दो दिनों के उत्तर प्रदेश के दौरे से अभी कल ही गए हैं। आज कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, ये तीन लोकसभा क्षेत्र में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्लान किया है, यानी नरेंद्र मोदी चार लोकसभा सीटों को कवर करेंगे और कुल उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, यानी यहां पर उनके तूफानी दौरे रहने वाले हैं। सुबह 9 बजे कन्नौज के तिरवा में रैली है, 11 बजे यानी 2 घंटे बाद हरदोई में रैली है, 12 बजे सीतापुर में रैली है। प्रधानमंत्री मोदी को यहां भी आना है, यानी बैक टू बैक तीन बड़ी रैलियां हैं, कन्नौज, हरदोई और सीतापुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। अमेठी के रण में राहुल गांधी आज रहेंगे, यानी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं और आज वो अमेठी रहेंगे क्योंकि स्मृति जुबिन ईरानी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं और वो अमेठी छोड़कर कहीं जा ही नहीं रही है। नंदमहर और रानी